वो कम भी पैसे लेती हैं तो फिर वो जलील करती हैं, डिग्गी में बिठा देती हैं। तो हम उधर बैठ गए, तो गाड़ी चली तकरीबन 2 घंटे चली, तो 3 घंटे, तो आगे पंप पे उन्होंने खड़ी कर ली गाड़ी। तो हम 5 लोग पिछली सीट पे बैठे हुए थे, 3 वाली सीट पे 5 लोग बैठे हुए थे, दो एक आगे था। तो उधर से उन्होंने कहा कि 3 लोग और हैं, उन्हें उठाना है अपने। हमने कहा कि इधर तो हम पहले ही तंग बैठे हैं, तो डर भी था थोड़ा सा, लेकिन उसने कहा कि नहीं चलें, ज़्यादा नहीं तो एक आदमी आप बिठाएं अपने साथ सीट में, बाकी एक को मैं डिग्गी में डाल देता हूँ, तो एक दूसरी गाड़ी में चला जाएगा। हमने कहा चले। वो आया, उसने दरवाज़ा खोला है, तो उसने उसको धक्का दिया, वो अंदर आ गया, दरवाज़ा बंद कर दिया उसने। तो वो हमारे ऊपर था, फिर सेटिंग थोड़ी सी की, उसे सेट किया, उसे कहा कि आप ऐसे करो कि टांगे ऊपर करके ना, तो का नीचे बैठ जाओ पैरों पाँव वाली जगह पे। तो वो बैठा रहा काफ़ी देर, हमारी भी टांगे दर्द करने लग पड़ी, वो भी थक गया था बैठ बैठ के। उसने कहा कि यार प्लीज़ सांस लेने दो, थोड़ी सा थक गया हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है, साथ तुम भी बैठ जाओ। तो ऐसे फिर गाड़ी चलने लग पड़ी, गाड़ी भी वो काफ़ी स्पीड में भगाती हैं ईरानी। तो उसने फिर 3-4 घंटे गाड़ी ड्राइव की, काफ़ी आगे चले गए। तो फिर उसने एक जगह पे खड़ा किया, उधर कहता है निकलो बाहर पानी वगैरह पी लो। तो हमने पानी वगैरह पिया, खोखा टाइप था, वहाँ पे लोग शीशा वगैरह पी रहे थे, तो छोटा सा उसने फुहारा वगैरह लगाया हुआ था। बिस्किट वगैरह मिले उधर से, लिए हमने खाए। थोड़ी देर बाद उसने कहा चलो आ जाओ बैठो, सब जैसे बैठे थे वैसे ही बैठ जाओ, वैसे उसी तरह फिर बैठ गए। फिर उसने गाड़ी बजाई बगाई तकरीबन, फिर उसने 3-4 घंटे बकाई है। तो हमने तो शुक्र किया, अब खड़ी किया उसने गाड़ी तो शायद मंजिल आ गई है। जब खड़ी किया तो फिर वो कहता पीछे रह गया एक गाड़ी, उसको साथ मिलाना है। फिर हमने कहा बाहर निकले तो थक गए हम बैठ बैठ के, कहता नहीं अंदर ही बैठे रहो, बाहर निकले तो बाहर को देख लेगा, शिकायत हो जाएगी। हमने कहा चलो, मजबूरी का नाम शुक्रिया, बैठे रहे। तो फिर थोड़ी देर बाद गाड़ी आ गई, वो वाली भी तकरीबन 5-7 मिनट खड़े थे तो गाड़ी आ गई। ऐसे ही हमने उसने गाड़ी ड्राइव करनी शुरू कर दी। तो 5-6 बजे के चले थे, तो रात के हमें तकरीबन 3-4 बज गए थे, सुबह होने वाली थी अगला दिन। तो अचानक एक जगह पे उसने गाड़ी खड़ी की है, मकान बने हुए थे उस साइड पे ना, कंस्ट्रक्शन का काम लगा हुआ था, उधर जाके उसने गाड़ी खड़ी की है। तो वैसे ही उसने कहा कि बाहर निकलो, कहता स्पीड स्पीड से भागो और इस तरफ जाओ। आगे भी एक आदमी खड़ा था, उसने कहा कि इधर घर में जाओ। तो हमने वैसे ही निकले हैं बाहर, जब बाहर निकला हूँ तो टांगे दर्द कर रही थी, भागा ही नहीं गया, गिर गया हूँ एकदम। जब गिरा हूँ तो वो पीछे से आया मुझे मारने के लिए, डर से फिर उठा हूँ और भागने शुरू कर दिया। भागा हूँ तो जाके उधर सेफ में चले गए हैं। उसने कहा शोर नहीं करना, इधर जाके बैठ जाओ, सेफ बनी हुई थी, एक कमरा था उधर, काफ़ी पहले लड़के थे, हम भी जाके बैठ गए हैं। उसने कहा अभी सो जाओ, सुबह नाश्ता मिलेगा, अभी कुछ नहीं मिलेगा खाने को। हम फिर लेट गए हैं, थके हुए थे थोड़े से, भूखे भी थे थके हुए भी थे, नींद भी नहीं थी आ रही। तो टांगे वगैरह सीधी की, थकावट थोड़ी बहुत दूर हुई, सुबह हो गया थोड़ी देर बाद। तो उन्होंने नाश्ता दिया, तो नाश्ता किया, उसके बाद फिर आप क्या करें, सारा दिन जेंट को कॉल की, जेंट ने कहा कि अभी हालात नहीं ठीक, आप इधर वेट करें, जब हालात ठीक हुए मैं आपको निकालूंगा। हमने कहा ठीक है। तो फिर सारा दिन सोंगे, सारा दिन सोए, और रात को फिर शायद दोपहर का खाना मिला थोड़ा बहुत। फिर खाना खा के बातें करनी शुरू कर दी, 10-12 हम लोग थे, पहले भी काफ़ी लड़के बैठे थे। उसके बाद शाम हो गई, शाम को खाना खाया, फिर वैसे ही 2-3 दिन वैसे वहाँ पे रहे। तो 2-3 दिन बाद एक गाड़ी आई, उसने कहा कि
हमारे एजेंट का नाम लिया, उसने कहा कि वो आ जाए बाहर। हम बाहर निकले, दो लड़के उसने कहा पहले आए, दो लड़के गए तो गाड़ी में उनका बैठो। जब गाड़ी में बैठने लगे तो उसे कहता डिग्गी में बैठ चलो, उसने कहा डिग्गी में हम नहीं जाएंगे, तो वो उसके साथ लड़ने लग पड़ा, शोर डाल दिया उसने। तो वो सेफ में जो लड़का था उसने कहा कि शोर ना डालो, आप ऐसा करो कि चले जाओ, आप इसके एजेंट के साथ बात करो या किसी और को ले जाओ इधर से, इनको तंग ना करो। अच्छा लड़का था, तो हमने कहा कि हम ही खामोश हो गए, वो लड़कों का तो आप खामोश हो जाएं, कोई बात नहीं। उसने मारा भी उन्हें, खैर वो चला गया। तो बाद में वो लड़कों ने बताया कि पहले ही कम से कम 13 आदमी गाड़ी में थे पिछली जगह पे, कहता दो उन्होंने पाँव वाली जगह बिठा हुए थे, 4 उन्होंने बिठाए हुए थे सीट पे, तो दरमियान जो जगह होती है थोड़ी सी उधर भी एक बंदा बिठाया हुआ था। तो इस तरह तो उसने कहा आगे बिठाए हुए थे 3, 2 3 फिर उसने डिग्गी में डाले हुए थे 2, ये भी कह रहा था कि डिग्गी में जाओ। तो वो कहते हम डर गए, हमने कहा कि ऐसे नहीं। तो फिर आगे वापस थोड़े दिन बाद, 1-2 दिन फिर वहाँ पे रहे। 1-2 दिन बाद एजेंट की कॉल आई, उसने कहा कि तैयार रहना, आपको शाम को निकालेंगे। तो शाम को उसने गाड़ी आई 2, वो हमें ले गए। तो बाकी का एपिसोड इंशाल्लाह अगले व्लॉग में बनाऊंगा, कैसे हम ने बॉर्डर क्रॉस किया और कैसे हम तुर्की पहुंचे। इंशाल्लाह वीडियो लंबी हो जाएगी, तो फिलहाल यही काफ़ी है।